हेलो एवरीवन, दिस इज़ द ऑफिशियल पेज ऑफ चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज मैं आपको NDECDS में केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं वो करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो जो हमारे यूनिवर्स है वो हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज सबस्टांस, ठीक है। अब जो सबस्टांस है उसको वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली दूसरी चीज क्या है, एनर्जी, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है वो दो चीजों से बना है। एक है सब्सटेंस, कोई ना कोई सब्सटेंस तो है यूनिवर्स में, ठीक है। और उसको वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि जो हमारे यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है सब्सटेंस और दूसरा है एनर्जी। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी है हमारा, उसमें हमारे पास बोन्स हैं, आप बोलोगे मैम हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे, जो ह्यूमन बॉडीज है, इन चीजों से मिलके बना है। तो ये एक तरह से हमारा सब्सटेंस हुआ ना, ठीक है। इसको हम बोल देंगे कि ये सब्सटेंस है। अब जो ये सब्सटेंस है, मेरे बॉडी में बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो मुझे ये वर्क करने के लिए किसी चीज की जरूरत चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारे पास एनर्जी होगी, ठीक है। अगर एनर्जी होगी तभी ये चीजें वर्क कर पाएंगी। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तो ये चीजें कोई वर्क नहीं करेगी, यानी कि जो हम ह्यूमन है वो हम डेड होंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी फूड से, ठीक है, फूड से या अदर जो भी चीजें हम खा रहे हैं उन चीजों से हमारे पास एनर्जी आएगी, ठीक है। तो जो फूड हमारे पास आता है तो कहाँ से आएगा, तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो, हमने बोल दिया कि यूनिवर्स हमारा दो चीजों से बना है, सब्सटेंस और एनर्जी। हमने डिस्कस कर लिया सब्सटेंस ये, एनर्जी ये, सब चीज आ गई, ठीक है। तो जब हमारे पास सब्सटेंस है, जब हम इसकी थोरोली स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जब हम इस सब्सटेंस की थोरोली स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारे पास केमिस्ट्री है। क्या बोला हमने, कि द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस की स्टडी, दैट इज केमिस्ट्री। अब बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन होती है, तो अब जो सब्सटेंस है उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो PSCU, यहां से हम इस चीज को याद रखेंगे। पी से हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज, एस से हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर, सी से हमारे पास आएगा कॉम्पोजिशन, और यू से हमारे पास आएगा यूजेस, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि जो केमिस्ट्री है उसमें हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में दो आ जाएंगी हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाएगा कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर। और कंपोजिशन में वो किन किन चीजों से मिलकर बना है हमारे पास, लास्ट में यूजेस, कि उसके यूजेस क्या क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड यूजेज ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम क्या बोल देंगे, इज नोन एज केमिस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। अब हम चलेंगे सब्सटेंस पे, कि हम सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी चीज, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मैं देख लूँ इसका कोई ना कोई मास है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सब्सटेंस हो गया। बेसिकली हम क्या बोल देंगे कि एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास, कुछ ना कुछ मास है, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी है, तो दैट इज सब्सटेंस। अब मैं आपके पास एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ पेन है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये सब चीजें मैं बोल रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीजें, आप इसको देख रहे हैं, आप बोल दोगे कि मैम ये सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है कि एयर हमारे पास सब्सटेंस है, परफ्यूम की स्मेल हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से, ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये हमारे पास सब्सटेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि एयर है, जब हम इसको देखो, एक गुब्बारा होता है ना हमारे पास, गुब्बारा पहले ऐसे होता है, नॉर्मल यही होगा, ठीक है। लेकिन जब अगर आप उसमें एयर डालते हो तो वो मतलब कितना फूल जाता है, फूल जाएगा मींस वो कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, जब इसके अंदर एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं कुछ ना कुछ, तभी ये फूलेगा,
यानी कि एयर हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम बोल देंगे कि एयर हमारे पास एक सब्सटेंस है। अब देखो दूसरी बात है परफ्यूम की स्मेल, अगर हम उसको स्मेल कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई पार्टिकल्स तो उसमें है, पार्टिकल हाँ नो डाउट। जब हम परफ्यूम को अगर बॉटल में देखते हैं तो वो हमें लिक्विड स्टेट में दिख जाता है, दिख जाता है। लेकिन हम करें स्मेल की बात, तो स्मेल अगर हम उसको कर पा रहे हैं स्मेल किसी चीज की, ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो हैं, तभी वो हमारे नोज में हम उसको फील कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो हम उसको नहीं कर पाते फील, ठीक है। तो ये क्या बोल देंगे हम कि ये भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखें कि ये तो हमारे पास दो चीजें ये आ गई, बाकी हमने ये नॉर्मल चीजें लिख दी। तो जो सब्सटेंस होता है बेसिकली हमारे पास, हम बोल देंगे कि सब्सटेंस हमारे पास टू टाइप्स का है, टू का हो गया एक, यानी कि जो विजुअल है, ठीक है। विजुअल, विजुअल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। विजुअल वाय आए होगा, जैसे पेन आ गया, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे हम, इनविजिबल, ठीक है। अब इनविजिबल, इनविजिबल में ये चीजें आ गई, एयर आ गई, ठीक है, इनविजिबल है ये, परफ्यूम की स्मेल है, इनविजिबल है, ठीक है। यानी कि जिनको हम विजिबल आंखों से देख नहीं सकते, स्मेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। हाँ स्मेल कर सकते हैं हम उसको, लेकिन हम देख नहीं सकते उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा एयर और परफ्यूम्स स्मेल, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये हमने किया कि केमिस्ट्री होता क्या है, आपका फर्स्ट टॉपिक चलता है सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। तो सब्सटेंस बेसिकली ये तो आपको समझ आ गया, इसके जो नॉर्मल सी टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी आई होप, ठीक है। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, उनका नाम है एंटोनी लेवोइशियर, ठीक है, एंटोनी लेवोइशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने लॉ आगे लॉज भी दिए काफी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है, ठीक है, वो है हमारे पास प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, ये है हमारे पास फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं अच्छे से कि हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है हमारे, और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे सब्सटेंस की, ठीक है। आपको पता होगा सब्सटेंस को हम मैटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है सब्सटेंस की, ठीक है, तो वो टू टाइप्स की होती है, ठीक, एक होती है हमारे पास फिजिकल, और दूसरी होती है हमारे पास केमिकल। जो अब हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हम छोटे होते से पढ़ रहे हैं, तीन तो हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो है हमारी फाइव टाइप्स की। फर्स्ट है सॉलिड, दूसरा है हमारे पास लिक्विड, थर्ड है हमारे पास गैसेस, फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मा, और फिफ्थ है हमारे पास BEC. BEC की फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये BEC है, ठीक है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमें पूछा जाता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन बताओ इनमें से कौन सी है सब्सटेंस की, ठीक है। तो वहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां पे हमारे पास जैसे मान लो एक दे दिया
मिक्सचर है, एक दे दिया एटम है, एक दे दिया हमारे पास कंपाउंड है, फोर्थ दे दिया बीईसी है, ठीक है, और फिफ्थ दे दिया बीएचसी है। तो आपको कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करना है, बीईसी आपको याद रखना है कि हमारे पास बीईसी है। तो इधर से याद रखना है बोस आइंस्टाइन, यानी कि दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक बोस ने एक आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो उस वजह से उसको बीईसी बोला हमने। तो ये चीज कंफ्यूज में नहीं जाना है कि बीईसी होगा कि बीएचसी होगा, ठीक है। तो इधर से हमें अच्छे से इसको याद रखना है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ठीक है, तो वो दो टाइप्स में जाती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। तो अब जो प्योर सब्सटेंस है और इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको पूछा जाता है कि आप डेयरी जा रहे हो, ठीक है, डेयरी से आप फ्रेश मिल्क लेके आ रहे हो, फ्रेश मिल्क, ठीक है। आपने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने आपके सामने गाय से दूध लिया। अब आपको पूछा जाता है कि वो आपके पास प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। आप देखोगे कि मैं अपने सामने डेयरी से लेके आया, मैम ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। देखो बच्चे, जो हमारे पास मिल्क है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ फैट्स है, विटामिंस है, उसमें वाटर भी है, गाय ने पानी तो पिया ही है ना, ठीक है, तो वाटर भी है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी भी डिफेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो अब जो प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, वो अगेन हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है, या ये समझ लो कि ये हमारे पास एक ही टाइप का है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो जो अब एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो है हमारे पास 118, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स है वो अगेन थ्री टाइप्स के हैं, फर्स्ट है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो जब जो हमारे पास मेटल्स है वो हमारे पास है 91, ठीक है, 91 मेटल्स है और हमारे पास 7 मेटलॉइड्स है और कितने बच गए अब नॉन मेटल्स, 20, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन मेटल्स है। अब जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड भी हमारे पास टू टाइप्स का है, एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब जो मिक्सचर है वो अगेन टू टाइप्स का है, एक है हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हमारे पास हिटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो ये देखो, अब हमने क्या किया, ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर ली कि हमारे पास जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, टू टाइप्स की थी। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने बोला फाइव टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। और इनको ऐसे याद भी ऐसे रखना कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि आपकी फोर्थ स्टेट जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन की क्या है, तो आप उसको प्लाज्मा लिखोगे, ठीक है। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स की बोली मैंने, एक बोला प्योर सब्सटेंस, दूसरा बोला इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में मेरे पास क्या गया, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, जो भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मींस वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारे पास, अब हम उसको तोड़ नहीं सकते आगे, ठीक है। और कंपाउंड, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि दो एलिमेंट्स को इन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, मतलब केमिकली बना होगा, सी से याद रखना है, सी से कंपाउंड, और ये बना गया कैसे, केमिकली। और जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये होगा हमेशा फिजिकली, ठीक है। इधर से आप ये याद रख लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, अगर आपको पूछा जाएगा कि मिक्सचर है कि कंपाउंड है, अगर आपको लग रहा है केमिकल रिएक्शन है उसमें, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कार्बन C+O2, आप बोलोगे CO2, मैम केमिकली बना है CO2, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बोलती हूँ कि पानी और चीनी का घोल, ठीक है, तो वो हमारे पास फिजिकली बना होगा, तो हम बोल देंगे कि वो हमारे पास क्या है, मिक्सचर है हमारे पास,
दूध मैंने बोला, दूध में कुछ ना कुछ पानी भी तो है, तो वो हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एलिमेंट्स, अब मेटल कितने होते हैं, 91 होते हैं, नॉन मेटल 20 होते हैं, मेटलॉइड्स 7 होते हैं, कंपाउंड 2 टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होता है, मिक्सचर होमोजीनियस होता है और हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपको अच्छे से यहां तक समझ आया होगा। आगे हम इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।